1954 भारतीय साहित्य इतिहास का एक प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि इसी साल एक महान आंचलिक उपन्यास आया था और भारतीय साहित्य इतिहास में उपन्यासों की एक नई श्रृंखला का जन्म हुआ था। उपन्यास था मैलांचल और लिखने वाले थे फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु जी एक ऐसे कथाकार हैं जिनके एक एक शब्द में आपको आंचलिकता का पुट मिलता है। उनके लिखे हुए किरदार हृदय को ऐसे छूते हैं जैसे पहली बरसात में मिट्टी को बारिश की बूंदें। तो आइए, एक थी फिल्म सीरीज के अंतर्गत आज बात करते हैं 1966 में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्म तीसरी कसम की। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कान पकड़ कसम खाता हूँ भाऊजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचा कर भाग निकला, नहीं तो 2-3 बरस जेल की चक्की। सजनवा बैरी हो गए हमारा, अब कभी पास नहीं ला देगा। अरे कभी पास नहीं ला देगा। माफ कर, अब कभी गलती नहीं होगा सर, माफ कर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सम। वो जो मऊआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी मऊआ। थी तो घटवारन लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था, उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। वैसे तो रेणु जी के प्रशंसक हर वर्ग से आते हैं, परंतु सिनेमाई जगत के करिश्माई गीतकार शैलेंद्र भी उनके शब्दों के जादू से बच नहीं सके। रेणु जी की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति मारे गए गुलफाम को पढ़ने के बाद गीतकार शैलेंद्र ने निर्माता शैलेंद्र बनने का निर्णय लिया। मारे गए गुलफाम एक आंचलिक कहानी है जिसका सिनेमाई रूपांतरण तीसरी कसम के नाम से किया गया है। फिल्म की कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है, इसलिए ऐसे चेहरों की दरकार थी जो उन चरित्रों को रजत पटल पर प्रामाणिकता के साथ उतार सकें। कहानी का मुख्य किरदार हीरामन गाड़ीवान है, जिसका किरदार अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता और शोमैन राज कपूर ने निभाया है। हीरामन गाड़ीवान के चरित्र को राज कपूर ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। पूरी फिल्म देखते हुए आपको कहीं से भी एहसास नहीं होता है कि आप द शोमैन राज कपूर को देख रहे हैं, बल्कि आपको यही लगता है कि पर्दे पर आप हीरामन को ही देख रहे हैं। जहां एक तरफ हीरामन है तो दूसरी तरफ हीराबाई है। हीराबाई कंपनी की नाचने वाली है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में बाई कह दिया जाता है, जिसमें उतरते हुए वहीदा रहमान ने इस चरित्र को पूरी सार्थकता और पूर्णता के साथ निभाया है। उनकी भावभंगिमाएं, नृत्य कौशल और बेहद खूबसूरत बोलती हुई आंखें। इस कहानी का नायक हीरामन एक सीधा साधा और भोला ग्रामीण युवक है। हीरामन लंबे अरसे से यानी 20 साल से बैलगाड़ी हांकता रहा है और इस कला में उसे महारत हासिल है। वह चाहे सीमा के उस पार नेपाल से धान और लकड़ी ढूंढने जैसा साहसिक कार्य हो या कंट्रोल बोर्ड के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाने जैसा जोखिम भरा कार्य वह बड़े सफाई से पूरा करता है। बहुत कम ऐसी साहित्यिक कृतियां हैं जिनमें सिनेमाकार कहानी को उसके मौलिक स्वरूप में प्रस्तुत करता है। रेणु इस दृष्टि से भाग्यशाली लेखक हैं। उनकी कहानी को सिनेमा में चित्रित करते समय सभी पात्रों के नाम, अधिकतम संवाद और कुछ गीत भी वही हैं जो कहानी के मूल स्वरूप में है, इसलिए कहानी और सिनेमा में अलगाव खोजना एक कठिन कार्य है। हीरामन की बैलगाड़ी में कंपनी की बाई हीराबाई सवार होकर कंपनी की नौटंकी में जाती है। बेचारा भोला भाला हीरामन हीराबाई को देखता है और देखता ही रह जाता है। जहाँ हीरामन हीराबाई के रूप और व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, वहीं हीराबाई हीरामन के भोले भाले व्यक्तित्व से। फिल्म देखते हुए जहाँ आपको हीरामन के लिए सहानुभूति होती है, वहीं हीराबाई के चरित्र के मोह में आप बंध जाते हैं। हीरामन भी चाहता है कि हीराबाई को दुनिया देख ना पाए, वैसी हीराबाई को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता है, जिसे अठन्नी का टिकट लेकर कोई भी देख सकता है और वाह वाह कर सकता है। फिल्म का अंत आपको गुमसुम छोड़ देता है, जहां हीराबाई और हीरामन का सहज मिलन संभव नहीं हो पाता। अन्य फिल्मी किरदारों में दुलारी, इफ्तिखार, कैस्टो मुखर्जी, असित सेन, ए के हंगल जैसे चरित्र अभिनेताओं ने फिल्म की मांग के हिसाब से खुद को आंचलिकता में रमा लिया है। ये किरदार कहानी को होले होले अपने मुकाम पर पहुंचाते हैं। जहां कैमरे के सामने कलाकारों ने अपनी स्वाभाविकता से दर्शकों को बांधे रखा, वहीं पर्दे के पीछे के कलाकारों ने भी फिल्म को जीवंत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस कहानी को फिल्म का रूप देने में सबसे बड़ी समस्या कहानी की आत्मा के साथ न्याय करना था, क्योंकि रेणु की कहानियां घटना प्रधान नहीं है, चरित्र प्रधान है। चरित्रों की मानसिकता में त्वरित परिवर्तन होते हैं, साथ ही पूरांचल ही कहानी का हिस्सा होता है। आसपास का वातावरण कहानी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसी कारण शैलेंद्र ने निर्देशन की जिम्मेदारी बासु भट्टाचार्य जैसे कुशल निर्देशक को दी।
निर्देशक की नजर से भी यह फिल्म बेजोड़ है। वैसे ग्रामीण परिवेश का चित्रांकन करना एक कठिन कार्य है, लेकिन निर्देशक ने फिल्म के साथ पूर्णता न्याय किया है। साथ ही सुब्रता मित्र की सिनेमेटोग्राफी ने रेणु की कल्पनाओं को सार्थकता प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास किया है। इस फिल्म में वहीदा रहमान का किरदार, जो कि एक बाई का किरदार है, कई सारे गीतों पर उत्तम नृत्य प्रस्तुति देती है। इस कारण एक अच्छे नृत्य निर्देशक की आवश्यकता महसूस की गई, जो शब्दों को ही नहीं भावों को भी पकड़ सके। इसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मु महाराज को बुलाया गया। लक्ष्मु महाराज ने इसमें इस प्रकार से नृत्य निर्देशन किया है कि दर्शकों की नजर एक पल को भी पर्दे से नहीं हटती। मूल कहानी पूरी तरह से बिहार पर आधारित थी। रेणु जी का बिहार से विशेष लगाव था। मैलाचल में वो भी बिहार के मोरीगंज का विस्तृत वर्णन कर चुके थे, पर उन दिनों बिहार में हो रही अव्यवस्थाओं के कारण इस फिल्म की शूटिंग बिहार में संभव ना हो सकी। शैलेंद्र ने फिल्म मध्य प्रदेश में शूट करने की ठानी। अधिकतर फिल्म वास्तविक लोकेशन में ही शूट की गई है। एक छोटा हिस्सा अररिया में भी फिल्माया गया है। साथ ही कुछ इंडोर शूटिंग का भाग आरके स्टूडियो में भी फिल्माया गया था। गीत लिखने की जिम्मेदारी हसरत जयपुरी के साथ शैलेंद्र ने भी निभाई है। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया है, जिन्होंने किसी भी मोड़ पर कहानी की मूल आत्मा के साथ समझौता किए बिना एक ऐसा संगीत दिया जो आज भी कानों में घुल जाता है। गीतकार स्वयं शैलेंद्र और हसरत जयपुरी हैं। गीतों को अपनी स्वर लहरी से झंकृत करने वाले कलाकार मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे हैं। संवाद स्वयं रेणु के हैं, पटकथा नवेंद्र घोष की है। इन कलाकारों के संगम ने तीसरी कसम के संवादों और गीतों को दर्शकों के हृदय में उतार दिया। गीत के कुछ मुखड़े मूल कहानी में हैं, जिसमें सजनवा बैरी हो गए हमार, लाली लाली डुलिया में लाली रे दुल्हनिया, सजन रे झूठ मत बोलो, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजरे वाली मुनिया शामिल हैं। फिल्म नवंबर 1966 में रिलीज हुई। एक आंचलिक फिल्म होने के कारण फिल्मी पंडितों को इसके सफल होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कलात्मक रूप से फिल्म बेहतरीन थी, आलोचकों ने भी माना, पर फिल्म अच्छी होना और फिल्म का हिट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज भले इसकी IMDb रेटिंग 7.8 हो, पर उस समय यह फिल्म आम दर्शकों को थिएटर तक खींचने में असफल रही थी और रिलीज के समय यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप घोषित कर दी गई। शैलेंद्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगले ही वर्ष शैलेंद्र का निधन हो गया। साथ ही राज कपूर का फिल्मी करियर भी इस फिल्म के साथ समाप्त मान लिया गया था। इसके पहले राज कपूर की एक फिल्म आई थी संगम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे। उसके बाद राज कपूर की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म से राज कपूर को बहुत अधिक उम्मीदें थी, पर उम्मीदों के पूरा न होने के कारण राज कपूर काफी समय के लिए फिल्मों से दूर हो गए। बॉक्स ऑफिस ने भले ही फिल्म को नकार दिया, पर फिल्म समीक्षकों ने फिल्म को खूब सराहा। आज इस फिल्म की गिनती क्लासिकल कल्ट के तौर पर होती है। रेणु के शब्दों में, इस सिनेमा की कहानी को देखना अप्रासंगिक नहीं होगा। रेणु स्वयं इसकी शूटिंग देखने मुंबई गए थे। इसके अलावा फिल्म का देर से प्रदर्शन और इससे उत्पन्न गल्प की भी चर्चा की जा सकती है। रेणु ने लिखा है कि जब वे गांव लौटकर आए तो तरह तरह के सवाल उनसे पूछे गए। उन सवालों को सुनकर रेणु को लगा कि वह फिल्म युग में ही जी रहे हैं। नायक नायिका, गीत लेखक, संगीत निर्देशक, पार्श्व गायक गायिका, खलनायक और हास्य अभिनेताओं के प्रशंसक समाज के हर वर्ग में है। रेणु ने अपने समाज द्वारा किए गए प्रश्नों के कुछ नमूने प्रस्तुत किए। अच्छा, राज कपूर यानी हीरामन की पीठ में गुदगुदी लगाने को किस तरह दिखाया गया है? आपकी कहानी में जो संवाद हैं, वो बदले तो नहीं गए? क्या राज कपूर ने सचमुच बैलगाड़ी यहाँ की है? बैल को हाँकते समय टिटकारी दी है? वहीदा रहमान नौटंकी की बाई की तरह लगती है कि नहीं? राज कपूर क्या खाते हैं, यानी भात या रोटी? लता मंगेशकर कभी बोलती हैं या चुपी रहती हैं? वगैरह वगैरह। रेणु को फिल्म बनाने के शुरुआती दिनों में इन प्रश्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब फिल्म के प्रदर्शन में देरी होने लगी तो लोगों के प्रश्न भी बदलने लगे। ये प्रश्न जिज्ञासा के नहीं बल्कि व्यंग्य के थे। रेणु कहते थे, जिन्होंने उनकी कहानी पढ़ी है वे सब कुछ पूछने के बाद एक सवाल पूछना कभी नहीं भूलते थे। और कहानी का अंत, माने दोनों को मिला तो नहीं दिया है? अंत में सभी बेताबी से यही पूछते हैं, कब रिलीज हो रही है, कब देखने को मिलेगी? इन प्रश्नों के साथ साथ कुछ कटु अनुभव के प्रश्न भी रहे हैं। रेणु के अनुसार पिछले 2-3 साल से तस्वीर रिलीज होने की जितनी संभावित तिथियां बतलाई गईं, वो सब गलत साबित हुई थी। इस बीच क्या से क्या हो गया और मेरी फिल्म अभी तक पर्दे का मुंह नहीं दिख पाई। रेणु के शब्दों में, सजनवा भी बैरी हो गए। जो जन्म के बैरी हैं, वो तो मेरे घर के सामने बिस्तर बिछाकर पड़े रहते हैं और घर से निकलते ही चालू हो जाते हैं। अपने पराए दोस्त, परिचित अपरिचित सभी मुझे देखकर मुंह बिथकाने लगे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन पीठ पीछे या आमने सामने गुदगुदी लगने वाली या चुभने वाली 10 बातें सुनने को नहीं मिलती। लोग उलाहना देते थे, एक इनकी फिल्म बन रही है सो मुद्दत से बन रही है, अजी मुगले आजम के बाद अब इनकी बेगम आजम बन रही है, भैया बैलगाड़ी का खेला है, जेट प्लेन का नहीं, इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी? बैलगाड़ी तो अपने आप से ही चलेगी। कहिए जनाब, राज कपूर के साथ कोई फोटो खिंचवाई या नहीं? वहीदा के साथ तो जरूर,
लेकिन अभिनय और निर्देशन की नजर से यह फिल्म बेजोड़ थी। इसका अभिनय उच्च कोटि का रहा, इसलिए 1967 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सब कुछ सादगी से दर्शाया गया। निसंदेह तीसरी कसम अपने दोनों माध्यमों से ऊंचे दर्जे का सृजन है, अपने दोनों माध्यमों में ऊंचे दर्जे का सृजन है। इसमें साहित्य और सिनेमा दोनों में निकटता आई है। आजादी के बाद भारत के ग्रामीण समाज को समझने के लिए तीसरी कसम मील का पत्थर साबित हुई। और आप भी आजादी के बाद के भारत को देखना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। जिन्होंने देखी है उनसे पूछना इस फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यह हमारी नई श्रृंखला है और अगर श्रृंखला के पहले एपिसोड पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसी तरह की क्लासिकल फिल्मों पर हम वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।